स्पीड से चलती है। ओह माय गॉड, निकल ही नहीं पा रही वेव से बाहर। पहली बार मैं बैठ रहा हूँ और पहली बार मैंने पूरा एडवेंचर करवा दिया लोगों ने। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज के व्लॉग में हम आए हैं सानूर बीच पे। हम यहाँ पे पता कर रहे हैं नूसा पेनिदा के लिए बोट के बारे में। तो नूसा पेनिदा एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है। यहाँ बाली से नूसा पेनिदा के लिए रोज़ सुबह यहाँ बोट जाती है अराउंड 8:30। तो इस वक्त मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे प्राइस वगैरह पता करने तो मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हैं। तो इस वक्त हमें फ़ायदा होगा एनी का। एनी जाएगी, अपनी लैंग्वेज में बात करेगी और बेस्ट डील वहाँ से निकालेगी। तो जैसे में जो भी बेस्ट डील मिलती है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में आपको पूरा सफर मिलेगा यहाँ बाली से नूसा पेनिदा जाने के लिए। या एंड डोंट बी कंफ्यूज, इन इंडोनेशिया वी हैव सो मेनी आइलैंड्स। हाँ, यहाँ 17,500 आइलैंड है। तो आई थिंक ये अब तीसरे आइलैंड में हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, पहला आइलैंड इनका जावा था, सेकेंड आइलैंड बाली एंड थर्ड आइलैंड नूसा पेनिदा। अभी बहुत सारे आइलैंड रह गए हैं। चलो ठीक है, अभी डील लेते हैं कहाँ पे हमें बेस्ट डील मिलती है। जहाँ भी बेस्ट डील मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जब भी आए तो वहीं से आप बुक कर सकते हैं। तो हमें काफी अच्छी अच्छी डील्स मिल चुकी हैं जिसके बारे में आपको हम अपने होटल चल के बताते हैं। तो आपका स्वागत है अगली सुबह में। एक्चुअली कल शाम को हम ना होटल पहुंच के रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं जो हमें बेस्ट डील मिली है वो मिली है एनी के लिए मिली है 750 रुपये इंडियन मनी, और जो मेरे लिए है वो है 1250 रुपये इंडियन मनी। तो ये बेस्ट डील है। अगर वैसे आपको ना नॉर्मली बताएंगे यहाँ पे 2000 रुपये वो बताएंगे, कई 3000 भी बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आके बार्गेन करना है और बार्गेनिंग के बाद आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा हमारी तरह। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं हमारे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने हमें सुबह 8 बजे बुलाया था, 7:52 पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी वहाँ जाते हैं, जो भी होती है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ से लेते हैं। और हमारी क्या नाम है हमारी इसका, एंजल विलेबम। मैं यहाँ ना फोटो डाल दूँ, नीचे नाम लिख दूँ, वैसे ना नाम समथिंग ऐसे है, एंजल विलेबम, विलेबम कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के नाम थोड़े अजीब रहते, मुझे याद नहीं रहते। बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन में ना आपको इनका फोन नंबर जिस एजेंट से हमने बुक किया आप उनको बता दीजिएगा कि एनी एंड रोहित की वीडियो देख के आए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी तरह। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। तो हमारी जो बाइक वगैरह हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है, पार्किंग का यहाँ पे 24 घंटे का जो चार्ज है वो है 10,000 रुपये जो होते हैं इंडियन मनी के 50 रुपये। तो आप अपनी गाड़ी या गाड़ी के चार्जेस तो मैंने नहीं देखे, बट जो बाइक के चार्जेस हैं वो 10,000 हैं। तो अगर आप अपनी बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह पे आते हैं तो आप 10,000 रुपये पूरे दिन के लिए यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अब हम अपनी बाइक वगैरह पार्क कर चुके हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ। एक और अपडेट, और जो हमारा बोट टाइमिंग है वो है 8:30 बजे। इनकी जो बोट चलती है वो सुबह 7:30 बजे चलती है, 1:30 बजे चलती है। तो हमने 8:30 बजे वाली चूज करी है। तो ये हमारे टिकट सेंटर पे आ चुके हैं, काफी भीड़ है सुबह के टाइम यहाँ पे। तो अपना मैं कहूँगा कि आप एक बार ना एडवांस में भी बुक कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं हमारी टिकट लेने, कहाँ पे हमारा एंजल बिलीबॉम। तो ये रहा हमारा सामने काउंटर, एंजल बिलीबॉम नंबर 11 फास्ट थ्रू। अब आके अपने कार्ड्स वगैरह ले लेते हैं यहाँ से इनसे। तो हमारे आई कार्ड हमें मिल चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं। 8:30 यहाँ से बोट चलेगी, तो जैसे ही वो हमें बुलाते हैं हम वहाँ चलेंगे इनके बोर्डिंग पॉइंट पे। तो अभी हमें यहाँ दो अपडेट के बारे में पता चला है। एक्चुअली हमने जो डे ट्रिप बुक करी है सुबह जाएंगे शाम को वापस, बट यहाँ इन्होंने बोला अगर आप वहाँ पे रात रुकना चाहते हैं तो उन्होंने हमें एक पेपर दे दिया है जिसपे फोन नंबर है, हमें उन्हें एडवांस में बताना होगा जिससे हम कल या परसों भी वापसी कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, जैसे मैंने बताया था कि आप एडवांस में टिकट बुक कर लो, बट अभी भी यहाँ पे टिकट वगैरह सेल हो रही हैं, तो अगर आपने बुक नहीं करी है सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं तो लास्ट मिनट की जो डील होती है वो ले सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट डील है, इससे अच्छी डील तो उन्होंने दी नहीं, तो आप फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं सुबह सुबह आने की। तो हमारे नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं पूरी लाइन बना के अपनी बोट की तरफ। तो जो बोट है अराउंड 500 मीटर की दूरी पे खड़ी है, बस हम वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। मैं आपको अभी बोट दिखाता हूँ कि हमारी बोट कैसी है। तो ये 500 मीटर की दूरी पे हमारी बोट खड़ी है। देखिए अभी हम थोड़ी देर हम भी ऐसे जाएंगे जैसे वहाँ पे सामने की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ऐसे अभी हम भी यहाँ पे अपनी बोट के अंदर इस बोट में भी एंटर करेंगे। तो ये हमारा पूरा ग्रुप है जो इस तरफ खड़ा हुआ है। अजय मैडम चले, तो ये हमारी कुछ ऐसी बोट है अंदर से, और मैं आपको दिखाता हूँ।
इस तरह काफी डिफिकल्ट तरीके से यहाँ पे अंदर आ रहे हैं क्योंकि ऐसे ना काफी हाई टाइड्स वगैरह चल रही हैं। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते ना दो पंगे हो गए हैं। पहला कपड़े पूरे गीले हो गए हैं क्योंकि एकदम हाई टाइड आई, कपड़े पूरे गीले हो गए, इसलिए हमने फोन वगैरह अंदर रख दिए थे, शूट नहीं कर पाए। सेकंड, जैसी हाई टाइड आई ना तो ना बड़ा सा पत्थर आके मेरी शिन बोन पे लगा, तो खून वगैरह तो नहीं निकला बट बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, सो बिग स्टोन बूम लाइक दिस, हां सो मच पेनिंग राइट नाउ, बट ब्लड तो नहीं है, चलो ये शुगर है। बाकी ठीक है, मैं चाहता था कि ऊपर चढ़ते शूट करें बट हाई टाइड के कारण हम वो शूट नहीं कर पाए। आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर कैसे आ रहा था पानी। हाँ हाँ ओके। जो टाइम था 8:30 था बोर्ड के चलने का, अभी अराउंड 9 बजने वाले हैं, अभी तक चली नहीं है बस, ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए, बस थोड़ी देर में आई थिंक 9 बजे के अराउंड यहाँ से हम चल पड़ेंगे। अब वहाँ जाके हम स्कूटी वगैरह की जो भी है सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे रेंट पे करनी है, अब चलते हैं। और एंजल बिली बॉन्ग की एक थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, जो इनका है ना कि लेग स्पेस है बहुत कम, आपको दिखाता हूँ कितना कम है। ये हमारी सीट्स है और ये हमारा लेग स्पेस, देखो पूरी टांगे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल मतलब स्पेस है ही नहीं, इतना होगा मुश्किल से स्पेस। ये देखो तो 45 मिनट हमें यहाँ बिताने हैं कुछ ऐसे लेग स्पेस के साथ। बोट में बैठे बैठे ना मैं चक्कर जाने लगे, ऐसे ऐसे हिल रही है बोट पूरी, यूँ बस अब स्टार्ट हो गई है, अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। ठीक है, हाँ लोगों को चढ़ाते हुए सामान रखते पूरा आधा घंटा लग गया, तो अब 9 बजे के अराउंड हम यहाँ से निकलने लगे हैं। वो देखो सामने हाई टाइट वगैरह कैसे चल रही है, ये आई बड़ी टाइट। डर सा लग रहा है, ऐसे ऐसे हिल रही है पूरी बोर्ड, वो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ना हाई टाइट्स, वो देखो कितनी हाई टाइट वगैरह आ रही है। स्टेबलाइजेशन के कारण आपको लग नहीं रहा है कितनी हिल रही है बट पूरा मैं हिल रही हूँ। तो मैंने उनसे पता किया जो बोट चलती है मैक्सिमम स्पीड में चलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ओह माय गॉड, बढ़िया विंडो बंद ही रखे आप, पानी आ रहा है वहाँ इधर उधर से। मेरा ऐसे तो फर्स्ट टाइम है ऐसे किसी स्पीड बोट में वगैरह बैठने का। वो देखो पूरी बोट वहाँ पे ना घूम रही है, वो देखो निकल ही नहीं पा रही वेव से बाहर, पूरी बोट वहाँ पे ना घूम रही है, निकल ही नहीं पा रही वेव से बाहर। कोई नहीं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, जो भी देखी जाएगी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। एक्चुअली भी थोड़ा हाई टाइट में से हम थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं बट मेरी कसम से अंदर से ना पूरी लुकलुक वही बढ़िया है, पहली बारी में बैठ रहा हूँ और पहली बारी में पूरे एडवेंचर करवा दिए लोगों ने। तो फाइनली 15 मिनट हमें लगे वो हाई टाइट को पार करने में, अब थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, अब पूरी मस्त स्पीड बोट एकदम भाग रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं मस्त हम। वेलकम टू नूसा पनीदा, ये हम यहाँ से आ गए, काफ़ी ना ये भी रास्ता ऐसे ऐसे था, थोड़े चक्कर चक्कर से आ रहे थे, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी बाइक वगैरह कहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा मैंने यहाँ पे बाइक कैसे रेंट करी है, तो पहले हम अपना बाइक वाला ढूंढ लेते हैं। आ जाओ तो जैसे ही आप अपने कहते बोर्ड से बाहर आते हैं, बाहर आती है ना यहाँ पे सब लोग आपको टैक्सी या क्या कहते हैं बाइक रेंटल के लिए पूछेंगे, बट जो मैंने बाइक बुक करी है मैंने वहीं से बुक करी है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था देवा मोटर्स करके, मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने यहाँ भी हमें अरेंज करवा दी, जैसा उन्होंने वीडियो में बताया था कि वो नूसा पनीदा में भी डिलीवर करते हैं। हमें जो स्कूटी पड़ी है वो पड़ी है 70,000 रुपये एक दिन की, जो कि होता है अराउंड आई थिंक 350 रुपये के आसपास होता है, तो एक दिन की हमें पड़ी है। अभी बस वो मैंने उनको मैसेज कर दिया, वो रास्ते में ही है, बस 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नई स्कूटी। देवा मोटर या
nginepnya masih mikir-mikir ntar nginep atau enggak kalau misalnya mau yang jauh. तो देवा मोटर से हमें ये स्कूटी मिल चुकी है जो मैंने आज जैसे आप बताया आपको 70,000 रुपए जो होते हैं इंडिया के अराउंड 350 रुपए। तो ये स्कूटी वही मैंने होंडा वेरियो स्कूटी ली है। एक्चुअली मुझे होंडा वेरियो जो है ना काफी कंफर्टेबल लगती है चलाने में इसलिए मैंने वही स्कूटी ली है। तो मैं नीचे इनका फोन नंबर मैं वापस मैं मेंशन कर दूंगा, आप आए अगर आप बुक करना चाहते हैं डायरेक्ट उन्हें कॉन्टैक्ट करें, वो यहाँ पे उनूसा पेनिदा में भी आपको वो अरेंज करवा देंगे। तो ठीक है आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर आपको पूरा ये नूसा पेनिदा आइलैंड दिखाएंगे, जो जो मेन मेन जगह हैं आपको कवर करने में जो एक दिन में आप कवर कर सकते हैं वो चीज़ें दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।